तो चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती हुई एक्टिव। यूपी की चुनावी लड़ाई में बीएसपी के लौटने से किसको नुकसान? यूपी की चुनावी लड़ाई में बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब तक शांत बैठी थी। उनकी चुप्पी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, या यूं कहें कि बीएसपी को पूरी तरह से चुनावी रेस से ही बाहर मान लिया गया था। लेकिन बीएसपी ने जैसे ही 109 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो सियासी हलचल तेज हो गई। इतना ही नहीं, बीएसपी ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए अपना पासा फेंक दिया है। दरअसल बीएसपी के 109 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद कई सीटों पर सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। जानकारों की माने तो एसपीआरएलडी गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह की आंतरिक कलह देखने को मिल रही है, उसमें बीएसपी ने पश्चिमी यूपी में एक मौका देखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 की तरह बीजेपी के पक्ष में लहर जैसी नहीं है। पश्चिमी यूपी में कुछ सीटों पर आरएलडी और एसपी गठबंधन में सीटों को लेकर स्थानीय स्तर पर बहुत ही उलझन की स्थिति देखी गई है। कुछ सीटों पर तो दोनों दलों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में बीएसपी की रणनीति से पार्टी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। असल में पश्चिमी यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां एसपी आरएलडी गठबंधन और बीएसपी दोनों के ही उम्मीदवार मुसलमान हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसी सीटों पर बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि 2017 में ऐसा ही हुआ था। लेकिन बीएसपी का मानना है ये उस सीट पर निर्भर करेगा जहां दोनों दलों ने मुसलमान को टिकट दिया है। बीएसपी ने इस ग्राउंड पर उम्मीदवार चुने हैं जहां उस प्रत्याशी के समुदाय का वोट पार्टी के मौजूदा आधार दलित वोटों से मिल जाए। पहले चरण में पार्टी 30 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी और दूसरे चरण में करीब 12 सीटों पर। ऐसे में अगर बीजेपी का वोट बढ़ता है तो इस फॉर्मूले के आधार पर बीएसपी के पास पहले दोनों चरणों में 39% सीटों पर जीतने की क्षमता है। बीएसपी ने पहले दो चरण के चुनावों के लिए जिन 109 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें 39 मुसलमान हैं। ये आंकड़ा 2017 के चुनावों के लगभग बराबर ही है। सियासी जानकार कहते हैं कि बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से इलाके में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बन गई है। पार्टी के एक सूत्र की माने तो एंटी इनकम्बेंसी और किसानों के मुद्दों की वजह से ये बीजेपी के लिए आसान लड़ाई नहीं होगी और इसीलिए सही उम्मीदवारों को उतारने से और बीएसपी के अपने कोर वोट बैंक की एकजुटता की वजह से पार्टी को नकारना मुश्किल है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।